नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम बात कर रहे हैं रिव्यू टैब के बारे में। देखिए रिव्यू टैब में क्या होता है, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर ग्रुप में प्रूफिंग ग्रुप में सबसे पहला आता है स्पेलिंग ग्रुप। ये हालांकि सारे ये ऑप्शंस जो हैं हम एमएस वर्ड में भी बात किए हैं, एक्सेल में भी बात किए हैं और यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं इसको। ओके, प्रूफिंग ग्रुप में सबसे पहला अगर बात करें ऑप्शंस की तो स्पेलिंग है। स्पेलिंग जैसे कि ये यहाँ पर दिस लिखा हुआ है, अगर हम इसमें चाहते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, जैसे मतलब ये मिस्टेक हमने कर दी इसमें, ठीक। अब इसको हम चेक कराते हैं, यहाँ पे आए स्पेलिंग पे जब क्लिक करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे देखिए सजेशन दे रहा है इस तरीके से, ये जो है एकदम नीचे आ रहा है, हम चाहें तो इसको ऊपर ले आएँ, ठीक। अब यहाँ सजेशन दे रहा है ओरिजिनल जो है THIS होता है, ठीक, हमने इसको मिस्टेक करा था। अगर हम चाहते तो इग्नोर कर दें तो ये यही लिखा रहेगा, इग्नोर ऑल, मतलब वहाँ भी यूज़ करते हैं। जैसे ऐसे ही बहुत सारी मिस्टेक्स हमारे डॉक्यूमेंट में और हम चाहते हैं कि उनको सुधारना नहीं है, जैसे कि तैसे वैसे ही रहनी है, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर बात करें यहाँ पर जो है हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। चेंज पे जब क्लिक करेंगे तो ये सही ओरिजिनल दिस में आ जाएगा। जैसे चेंज पे क्लिक किया तो द स्पेलिंग चेक इज़ कम्प्लीट, इस तरीके से बता दिया उसने। फिर अगला है रिसर्च। रिसर्च पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक पेन साइड में ओपन होकर आ जाता है इस तरीके से, तो हम किसी भी वर्ड के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिस लिखा हुआ है तो हम चलो दिस के बारे में सर्च कर लेते हैं। ओके, हमने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर रिसर्च होकर के कई सारे वर्ड आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए रिसर्च में जो है हमारा ट्रांसलेशन ऑन है, मतलब कि एक वर्ड लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक। अभी रिसर्च जो होता है ये पेन ऑन हो जाता है, लेकिन ये काम किन के लिए करता है, थीजर्स और ट्रांसलेट के लिए। अगर हम थीजर्स पे क्लिक करेंगे तो इसके सिनोनिम्स बताएगा। यहाँ पर देखें नो रिजल्ट फाउंड, कोई इसके सिनोनिम्स नहीं है। हम चलिए कुछ और ले लेते हैं, हमने ले लिया है मैंगो, चलो ले लेते हैं मैंगो, ठीक। ओके, और इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैंगो है वो यूनिक है, उसका भी कोई सिनोनिम्स यहाँ पे बता रहा है नहीं है फाउंडेड। हम क्या करते हैं कुछ और भी ले लेते हैं, पेन। अब देखिए पेन के जो बहुत सारे सिनोनिम्स बन के आ गए हैं, थीजर्स पे अगर हम जब क्लिक करा था, ये थीजर्स के लिए रिसर्च पेन ऑन होता है, ठीक। और यहीं पर मतलब थीजर्स के थ्रू हम क्या करते हैं सिनोनिम्स चेक कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट की होता है Shift+F7 होता है, ये क्वेश्चन भी CCC वगैरह परीक्षाओं में पूछ लेता है, थीजर्स का शॉर्टकट की क्या होता है, या स्पेलिंग मिस्टेक जो चेक करनी है F7 केवल होता है, मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर्स के लिए केवल F7 और थीजर्स मतलब सिनोनिम्स वगैरह चेक करने के लिए Shift+F7। फिर हम बात करें ट्रांसलेट की, तो ट्रांसलेट क्या होता है, किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। जैसे कि जहाँ ट्रांसलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फ्रॉम लैंग्वेज है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, और किस में चेंज करना है साउथ अफ्रीकन में। अब यहाँ पे जाके चेंज भी कर सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं, ठीक। और किसी भी वर्ड को हम चेक करा सकते हैं उस लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं MUG मग, और यहाँ पर क्लिक करते हैं। और देखिए यहाँ पर अभी क्या है, बेसिकली यहाँ पर चूँकि इंटरनेट नहीं है इसलिए तरीके से कैन नॉट फाइंड द रहा, नहीं तो कोई भी वर्ड डालेंगे आपको पक्का बताएगा। फिर यहाँ पे बात करें लैंग्वेज की, तो हम चाहें तो जो भी लैंग्वेज लगा सकते हैं, अभी तो यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लगी है, हम चाहें तो हिंदी लगा सकते हैं, जैसा भी चाहें वैसा हम सेट कर सकते हैं। सो मार्कअप तब से होता है जब हमको भी मार्कअप यूज कर रहे हों उसके लिए यूज़ करते हैं। न्यू कमेंट क्या होती है, जैसे मान लिया कि इस वाले वर्ड पर सेलेक्ट है, यहाँ पर आया हमने कोई कमेंट डालनी है, जैसे यहाँ पर डाल दिया इम्पोर्टेंट, ठीक, ये इस तरीके से जो है हमारी कमेंट पड़ जाएगी। फिर दूसरा हमने एक वर्ड सेलेक्ट करा बॉय वाला, इस पर हमको दूसरी और कमेंट डाल देते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम कर देते हैं नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक, इस तरीके से हमने ये भी कमेंट डाल दी। अब देखो यहाँ पे 100 मार्कअप पे अगर हम हटा देंगे तो मतलब जो हमने कमेंट डाली थी वो नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर 100 मार्कअप ऑन कर देंगे तो दोनों कमेंट दिख रही हैं। 100 मार्कअप का यूज़ ये है एडिट कमेंट है, जैसे हम चाहते हैं कि इस कमेंट में कुछ बदलाव करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे एडिट कमेंट पे, और यहाँ पे कुछ और भी बढ़ा सकते हैं या इसको मिटा सकते हैं, ठीक, इस तरीके से होता है। डिलीट, जो भी हम कमेंट डालें उनको डिलीट कर सकते हैं।
ये प्रीवियस नेक्स्ट भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया अभी इस वाली कमेंट पे हम हैं और हम नेक्स्ट पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आ गए, प्रीवियस पे करेंगे तो फिर से वहीं आ जाएंगे। डिलीट चाहें तो हटा भी सकते हैं, ठीक डिलीट कर दिया। फिर लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचता है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, हम अपनी प्रेजेंटेशन को अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पासवर्ड डालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ राइट्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मांगता है इस तरीके से, और ये यहाँ पर फिल किया जाता है और इस तरीके से इंट्रोड्यूसिंग फॉर राइट्स मैनेजमेंट सर्विस, नो आई डोंट वांट टू दिस सर्विस, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ओके देखिए ये प्रेजेंटेशन अगर हमें प्रोटेक्ट करवानी है तो यहाँ पर हमको कुछ साइन अप करने के लिए बोल रहा है, ठीक राइट मैनेजमेंट, और सभी में ये सारा कुछ नहीं शो करता है लेकिन इसमें बोल रहा है